वेलकम टू एशियाज यंग आयर्स। जो बड़ा अनाउंसमेंट अब आ रहा है वो है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाले हैं फॉर द ईयर 2021। जो 2021 बोर्ड एग्जाम्स है वो कैंसिल हो चुके हैं। अब ये अनाउंसमेंट के बाद आपको कैसे रिएक्ट करना है? कुछ बच्चे बहुत खुश है कि अब एग्जाम ही नहीं होगे, कुछ बच्चे उदास भी है क्योंकि एग्जाम नहीं होगे तो उनके पूरे साल की जो मेहनत है वो बेकार गई। अब सवाल यही है कि आप हैप्पी होने चाहिए, आप सैड होने चाहिए, व्हाट शुड यू बी? यू शुड बी हैप्पी और यू शुड बी सैड, एंड हाउ डू यू डील विथ इट? तो उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। पहले हम अनाउंसमेंट भी देख लेते हैं कि क्या अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये अनाउंसमेंट आया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा है कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं स्टेट में और महाराष्ट्र गवर्नमेंट फर्दर लॉकडाउन भी अनाउंस कर सकती है, इसका इंडिकेशन भी हमें मिल रहा है। तो इसीलिए उन्होंने अनाउंस किया है कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। There'll be no board exams conducted. Public Health Minister Rajesh Tope ji ने भी अनाउंस किया है कि students को directly class 11 में promote किया जाएगा, कोई भी fail नहीं होगा। लेकिन fail तो नहीं होगे, लेकिन marks कैसे दिए जाएंगे? वो बड़ा सवाल है। तो उसके ऊपर भी कहा गया है कि assessment किया जाएगा, school education department इसके ऊपर decision लेगी। और Minister for School Education वर्षा गायकवाड़ मैम ने भी कहा है कि मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे बच्चों को बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट, मतलब स्कूल लेवल के असेसमेंट के हिसाब से। मतलब आप सिर्फ 10वीं में आप पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है, आप पूरी स्कूल लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हो, 8th में, 9th में, 10th में आपने हर साल पढ़ाई की है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, कंसिस्टेंट बच्चे होते हैं, वो पढ़ ही रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपने प्रीवियस ईयर्स में पढ़ाई नहीं की है, जैसे आप तब पढ़ाई कर रहे थे वैसा ही अभी भी पढ़ाई होती और आपके परसेंटेज इंप्रूव होते। ऑफ कोर्स बच्चे, कुछ बच्चे काफी सीरियस हो जाते हैं 10th में आके और वो अच्छे मार्क्स लाते भी है, 9th में भी अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियल ईयर्स में इतने सीरियस ना हो तो लेटर ईयर्स में हो जाते, लेकिन आपकी एक कंसिस्टेंसी लेवल होती है। जैसे अगर आप 80% स्कोरर थे तो आप 10th में शायद 90% ले आते, अगर आप 70% स्कोरर थे तो आप 9th में, अगर 70% थे तो 10th में आके आप 80% ले आते, तो आप इम्प्रूव करते, आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स हो सकता है। तो वो अवार्डिंग सिस्टम जो होगा, अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, बट बिलीव मी वो ऐसा अवार्डिंग सिस्टम होगा कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो भी कंसिडर की जाएगी। यू विल नॉट बी शॉर्ट चेंज, आपको धोखा नहीं दिया जाएगा, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है। असेसमेंट सिस्टम ऐसा होगा, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। तो वर्ल्ड वाइड असेसमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। सीबीएसई ने ऑलरेडी एग्जाम्स कैंसिल करने का अनाउंसमेंट दे दिया था। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ अपना ही लेवल का कुछ निकालेगी, वो सारा कुछ स्टडी करके ही हमारा डिसीजन आएगा। तो असेसमेंट सिस्टम ऐसा होगा कि आपको उससे फायदा ही होगा, आपके जो मार्क्स होने चाहिए थे वैसे ही मार्क्स हो गए। सो यू हैव टू हैव फेथ इन आवर गवर्नमेंट, इन द सिस्टम, इन गॉड आल्सो। भगवान पे भी आपको भरोसा होना चाहिए कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है, ठीक है? पॉजिटिव रहना इस टाइम पे बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, है ना, तो री एग्जामिनेशन भी अनाउंस किया, मतलब अगर इंटरनल असेसमेंट, आप फिर भी इतना होने के बाद भी अगर आपको लगता है नहीं मैं इससे भी अच्छा कर सकता था, जैसे आप समझो 8th 9th में 80% स्कोरर थे और इंटरनल असेसमेंट में आपको 90% अवार्ड किया गया, पर आप कहोगे नहीं मैं तो इससे भी बेटर कर सकता था, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप अगर री एग्जामिनेशन लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो इफ यू आर अनहैप्पी। बट बिलीव मी, गवर्नमेंट डज नॉट वॉन्ट स्टूडेंट्स टू बी अनहैप्पी, और आपको अपने मार्क्स इतने अच्छे ही मिलेंगे कि आपको अच्छा ही लगेगा। तो एवरीबडी विल नॉट बी गिवन इक्वल मार्क्स, ऐसा नहीं होता। जैसे हम एग्जाम में देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो गलत क्वेश्चन होता है तो सबको मार्क्स मिल जाते, मतलब ना गलत क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन के आंसर्स गलत सही कुछ होता नहीं है, क्वेश्चन ही गलत था। तो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन गलत था तो सबको 2 मार्क दे दिया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो होशियार बच्चे, अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे, उनको अच्छा परसेंटेज मिलेगा, और जो वीक बच्चे रहे उनको वो हिसाब से परसेंटेज मिलेगा, उनको भी थोड़ा अच्छा मिलेगा, आपको भी बेहतर करके मिलेगा। तो नोबडी विल बी अनहैप्पी, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट विल ट्राई टू डू, विद द एजुकेशन सिस्टम विल ट्राई टू डू। तो इस पे आपको भरोसा रखना है। क्लास 12 एग्जाम होने वाले, क्योंकि क्लास 12 के बाद लोग अलग अलग स्ट्रीम्स में जाते हैं, फील्ड्स में जाते हैं, तो वो एग्जाम होने वाले, वो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि पूरा साल निकल गया, इतना लंबा वेट हो गया, एक्चुअली मार्च में एग्जाम हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक अप्रैल आ गया, अभी तक एग्जाम भी नहीं हुआ और अब कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा। तो ये तो बच्चों की, हर एक बच्चे की विश होती है कि एग्जाम ना हो, पर ये आज सच हुई है। और कुछ लोगों को यही लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद क्यों कहा, पहले क्यों नहीं कहा? तो ऐसा सिचुएशन है, आपको पॉजिटिवली लेना है। जैसे कि आप बोलो कि, जैसे आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे कि मैं आपको आपकी पसंदीदा चीज दिला दूंगी या दिला दूंगा जब आप ऐसा करोगे, ऐसा ये लेकर आओगे या करोगे तो आपको मिलेगी।
तो आप बहुत मेहनत करते, बहुत करने की कोशिश करते, आपसे हुआ नहीं हुआ, आपकी मम्मी ने वो या पापा ने वो देखा भी नहीं कि आपने किया या नहीं किया, पर आपको चीज लाकर दे दी जो आपको चाहिए थी, तो उसमें आपको खुशी होनी है। ऐसा कुछ तो नहीं है ना, आपको मिल रहा है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा आपको, उसके ऊपर आपको फ्यूचर के ऊपर भरोसा रखना है। फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है, उस पर भरोसा रखना है कि हमारे साथ सही होगा, क्योंकि हर एक जो है गवर्नमेंट है, लोग है, सब इससे जूझ रहे, कोविड से सिचुएशन ही ऐसा है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के गवर्नमेंट ये कर रही है, सिचुएशन ऐसा है कि एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जा सकता, और गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के साथ कुछ बुरा हो। आपके लिए सिलेबस रिड्यूस किया गया, आपके लिए क्वेश्चन बैंक्स लाई गई, वो सब भी किया, लेकिन और ये डिसीजन पहले से तो लिया नहीं गया था कि अब जाके बता रहे, पहले से क्यों नहीं बताया, उनके हाथ में भी नहीं था। सिचुएशन इतनी बुरी हो रही है, आईसीयूज, हॉस्पिटल्स फुल है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ के लिए ही गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, तो इसे पॉजिटिवली लीजिए। और जो आपने मेहनत की, आपको लगता है मेहनत का कुछ फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आपने जो मेहनत की, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए, स्टडीज की, वो कुछ वेस्ट नहीं जाएगा, बिलीव मी। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी होते हैं, जैसे मैंने भी किया है कोर्सेज, जो किए मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। और ऑनलाइन टेस्ट, कुछ बच्चे कहेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट ले लेते, ऑनलाइन एग्जाम ले लेते, तो आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल है ही नहीं। ऑनलाइन एग्जाम में आप ओपनली चीट कर सकते, कॉपी कर सकते, इससे तो एग्जाम ना हो वो बेटर है, बिकॉज देर आर मेनी वेज टू चीट इन विथ टेक्नोलॉजी, तो ये तो पॉसिबिलिटी, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। तो हार्ड वर्क याद रखिए कभी वेस्ट नहीं जाएगा, आपको भरोसा रखना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आपको सक्सेस मिलेगा ही। ये तो एक छोटा सा एग्जाम होता है आपके स्टेज पे, आपकी एज पे, आपके लिए सबसे पहला बड़ा एग्जाम था, पर आपको आगे बहुत कुछ फेस करना है, और ये बहुत छोटा सा एग्जाम है, और इसमें भी आपको कुछ नेगेटिव नहीं मिला है, सिर्फ आपका एग्जाम जो है कैंसिल किया गया है लुकिंग एट द सिचुएशन। तो अभी जैसे मैंने आपको मैं बताऊंगी कि मैंने इंजीनियरिंग किया है, आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अगर आप मुंबई से, और अगर आप देखोगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो सिलेबस होता है, जो 4 साल हम इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को केटी वगैरह भी मिलती है, आई वाज अ सिल्वर मेडलिस्ट इन माय कॉलेज, तो ये जो है यहाँ पे काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को, इतना 4 साल तक इतनी पढ़ाई, इतना चैप्टर, इतने सब्जेक्ट्स होते, इतने मोटी किताबें वगैरह होती, वो सब पढ़ करके हम जब ग्रेजुएट हो जाते हैं, और हम जब जॉब्स के लिए जाते हैं, जैसे इंफोसिस, टीसीएस वगैरह, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, सब हमें जॉब्स के लिए लेती है, इंटरनेशनली भी काफी सारे लोग इंटरनेशनली सेटल हो जाते हैं, ऑल माय फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट ऑल माय फ्रेंड्स आर अब्रॉड, तो ये सारे अब जो लोग हैं वो 4 साल की पढ़ाई, आप देखो बहुत हमने मेहनत की, इंजीनियरिंग पढ़ाई ईजी नहीं है, 8 से 5 तक की तो कॉलेज होती थी, तो ये ईजी नहीं होता, तो इतनी मेहनत करके हमने जो पढ़ाई की, 4 साल के बाद जो हमें एडमिशन मिला, मतलब जो जॉब मिला हमें, रिक्रूटमेंट हमारा हुआ, उसमें वह 4 साल की पढ़ाई का कुछ फायदा नहीं होता, कुछ भी काम का नहीं होता, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है कि दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आप वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो आप 4 साल में पढ़ा लोगे, लेकिन 4 साल के बाद तो सब चेंज हो जाता है। आप देख लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कितनी नई नई चीजें आती है, और हमारा सिलेबस इतना फ्रीक्वेंटली अपडेट तो होता नहीं है, और होता भी होता तो भी इतना अपडेटेड नहीं होता कि हम लेटेस्ट चीजों से वाकिफ हो। तो इट्स वेरी डिफरेंट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, और जो एक्चुअल जो काम आता है, वो काम में आपके वर्क एक्सपीरियंस में, वो वर्क काम में आपको काम आता ही नहीं है कुछ, लेकिन आपकी मेहनत काम आती है, जो आपने मेहनत की है, आपको वो जो वो रिग्रेस आपको मिलता है, वो रिगर जो होता है, जिसे कहते हैं कि आपको उस जो कहते हैं ना कोयले के खान से हीरा निकलता है, मतलब आपको जो इतना जलाया तपाया गया है उसकी वजह से आप इतने कंसिस्टेंट और स्ट्रांग हो जाते हो, और इतने हार्ड वर्किंग हो कि आप कैसी भी सिचुएशन में टैकल कर सकते हो, और कोई भी नई चीज भी उसको भी आप इजीली स्टडी कर सकते हो और समझ सकते हो, तो आपकी वो बिल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है, देन यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन कोप विद एनीथिंग। तो ऐसा नहीं होता कि हार्ड वर्क कभी वेस्ट जाता है, तो वो आप इतना कॉलेज का करके आपको फाइनली जॉब मिल रहा है किसी और चीज पे, है ना, भले आपके मार्क्स वगैरह पे, और इंटरव्यू होते हैं उनके, असेसमेंट राउंड्स होते हैं, एप्टीट्यूड राउंड्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलता है, तो वहां पे तो वो ये सब कुछ काम आता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं 4 साल वेस्ट हो गया तो करना ही नहीं है, करोगे नहीं तो कुछ आगे बढ़ेगी नहीं, आप आगे बढ़ रहे हो, 10th से 11th में जा रहे हो, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। तो यही बात है, आपको याद रखनी है कि डेडिकेशन और हार्डवर्क जो आपका है, जो आपने अभी 1 साल में भी डाला है, वो आपको काम आएगा ही, आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके ऑल वेल विशर्स जो है सारे, वो सब भी सफर कर रहे, फेस कर रहे सबको, काफी लोगों को हेल्थ इश्यूज भी होगी, सिचुएशन ही ऐसी है, तो वो सब भी हम फेस कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस, ऑलरेडी ट्रॉमा है, तो पढ़ाई वेस्ट जा रही है, वेस्ट नहीं भी जा रही है, एक्चुअली पॉइंट ये है कि पढ़ाई वेस्ट गई भी नहीं आपकी, आपको सब कुछ काम आएगा, बिलीव मी,
यू विल बी बेनिफिटेड बाय एवरीथिंग दैट यू डू। कर्म है जीवन में, कर्म जो है, कर्म हम जो करते हैं उसका फल हमें मिलेगा। जैसे कहा जाता है कर्म कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब आपको सिर्फ अपना काम करना है। आपने अपना कर्म सही किया तो आपके साथ सब सही होगा। यही आपका टेस्ट है कि आपको अपने पेरेंट्स पे कितना भरोसा है, अपनी गवर्नमेंट पे कितना भरोसा है, अपने भगवान पे कितना भरोसा है। ये आपका टेस्ट है, वो टेस्ट किया जा रहा है। आप इसमें सक्सेसफुल होके आपको इस टेस्ट से निकलना, आपको फेथ रखना है और हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो डेडिकेशन और हार्डवर्क हमें करते रहना है। या तो आप 9th में भी अभी हो और 10th देने वाले हो तो भी आप डेडिकेटेड और हार्डवर्किंग होने चाहिए। आपको अपना काम करना है। हमारा काम यही है, फिलहाल के लिए काम था, जब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई किया हमने। और पर्सन हु नेवर गिव्स अप, अब ये सिचुएशन में आपको कि हम बस अब क्या है, ये सब कुछ सही नहीं है, चल रहा है, आप गिव अप कर दोगे तो आपकी लाइफ में आगे तो बहुत कुछ ब्यूटीफुल चीजें होने वाली है, वो सब आपको नहीं मिलेगी। तो ये तो बहुत छोटा सा एक स्टेज है, एक स्टेपिंग स्टोन है आपकी लाइफ का। आगे आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ होती है, आप बहुत एक्सपीरियंसेस लोगे और इंजॉय दिस लाइफ। एंड राइट नाउ द टाइम इज ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव नो एग्जाम्स नो स्टडीज, इट्स टाइम टू एंजॉय रिलैक्स। आपने बहुत मेहनत की है और आपको अब रिलैक्स करना है। So if you never give up, nobody can beat you. So you have to never give up. Never give up even in this situation कि जो मेरे साथ हुआ अभी गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। You never give up and nobody can beat you. You are a success. So wish you all the very best. Study well. And अगर आप 9th में हो तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स मैं कहना चाहती हूँ, डोंट टेक दिस लाइटली। आप ये प्रार्थना मत कीजिए कि ये सिचुएशन कंटिन्यू रहे एक साल तक और अगले साल भी हम यही सिचुएशन में हो, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। क्योंकि कोविड जो है वो सीरियस है, लोग मर रहे हैं। माय हस्बैंड इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, सो आई नो द सिचुएशन, रियल बैकग्राउंड, रियल ग्राउंड लेवल सिचुएशन क्या है, कैसे लोग सफर कर रहे हैं। तो आपको इसे लाइटली नहीं लेना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और अगर आपको 9th स्टैंडर्ड की तैयारी शुरू करनी है तो ये हमारे कोर्स की डिटेल्स है, इस पे आप हमें कॉन्टेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल ये क्लासेस लाइव ऑनलाइन चल रहे हैं, यूट्यूब लाइव क्लासेस चल रहे हैं। आज भी यूट्यूब लाइव क्लास था, उसमें भी एक बच्ची थी, वो कह रही थी कि मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। मैंने बोला उसको कि शायद हो सकता है एग्जाम ना हो, क्योंकि डिप्रेशन मुझे लगा ये हिसाब से हो रहा होगा कि एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं कर रहे, तो एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं कर रहे, क्या हो रहा है अनसर्टेनिटी की वजह से। मैंने बोला शायद एग्जाम हो भी ना, सीबीएसई ने ऑलरेडी कैंसिल किया और शाम में ये अनाउंसमेंट आ भी गया। तो जब मैंने उसे कहा एग्जाम हो भी ना, तो वो और डिप्रेस हो गई कि मैंने इतनी मेहनत की, अब मेरी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी, और वो और सैड होने लगी। तो ये ऐसे हमें डील नहीं करना, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपकी कोई मेहनत वेस्ट नहीं जाती। आपको ध्यान रखना है और स्टडीज करते रहनी है, एंड इट विल पे ऑफ, बिलीव मी। तो 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आपका टाइम है अब मेहनत करने का, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आपका टाइम है अब एंजॉय करने का, रिलैक्स करने का, आपने बहुत मेहनत कर ली। और 9th स्टूडेंट्स आप अभी बेनिफिट लीजिए इस प्रोग्राम का, हमारे कॉल नंबर पे कांटेक्ट करके रजिस्टर कीजिए। फ्री लाइव ऑनलाइन क्लासेस होगी हमारे ऐप पे, मीन्स आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट वगैरह जो हमारे ऐप पे वो भी आपको सारे मिलेंगे, चैप्टर वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो रहे हैं। तो फर्स्ट वीक हमारा ये ऑलरेडी मंडे से स्टार्ट हो चुका है 19th से, और आज सेकेंड डे था। यूट्यूब लाइव लेक्चर्स ऑलरेडी है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। कल भी हमारा कोर्स चलेगा 2 से 2 बजे और 3 बजे, साइंस 2 और मराठी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे वीडियोस आप देखिए मंडे टू फ्राइडे ये वीक में यूट्यूब पे। नेक्स्ट वीक ये हमारे ऐप पे चलेगा, तो जो लोग रजिस्टर्ड हो गए उनको डिटेल्स भेजी जाएगी, उनको वो ऐप पे फ्री मिलेगा, कम्प्लीटली फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं है, कुछ नहीं है। आपको यही सेम कोर्स जो ऑनलाइन लाइव मिल रहा है यहाँ यूट्यूब पे, उसे आपको हम ऐप में देंगे। और उसके अलावा फिर बाद में जो होगा नेक्स्ट वीक, उसमें हम वो भी फ्री है, 1 मंथ के लिए फ्री है, लेकिन उसमें हम टेस्ट शुरू करेंगे। तो अगर आप ये फर्स्ट 2 वीक्स अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका नेक्स्ट वीक टेस्ट भी अच्छे से होगा। तो 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स बक अप, यू हैव टू प्रिपेयर। एंड बाकी सबके लिए एक्चुअली, 9th में हो 10th में आप कोई भी हो, आप सबको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए एंड स्टडी वेल। थैंक यू सो मच।